हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये अभी एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है। जैसे बजाज फाइनेंस 2008 में छोटी सी कंपनी थी, ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये कंपनी भी अभी हमें देखने को मिल रही है। ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब नॉन NBFC सेक्टर से। तो हम सोच रहे हैं कि दोस्तों ये आने वाले दिनों में बजाज फाइनेंस के बराबर कंपनी बन सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ग्रो हो रही है उसी प्रकार से दोस्तों ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, स्टॉक का प्राइस है 1036.10। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 3% गिरा था, ठीक है। अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो देखिए, 1068.30 का इसका प्रीवियस क्लोज था, 1050 पर स्टॉक ओपन होता है, हाई लगाता है 1074.90 और लो लगाता है 1021.80। साथ में इसका 52 वीक का हाई देखें तो 1275 का है, ठीक है, और 52 वीक का लो है 605.60 का, ठीक है। मतलब एक कंफर्टेबल जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5 दिन में 10% गिर भी चुका है स्टॉक, 1 महीने में स्टॉक 8% भागा भी है, 6 महीने में स्टॉक 18% से ज़्यादा भागा है, लास्ट 1 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 38.5% स्टॉक भागा हुआ है, 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 साल में 444% का परफॉर्मेंस दे रहा है स्टॉक, और ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कंपनी मार्केट में 2016 से आई हुई है और लगभग 350% का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को दे दिया है, ठीक है। तो हमें ज़रूर दोस्तों इस कंपनी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब हम क्या करें, अब हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेक करते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये BSE NSE दोनों पे लिस्टेड मिलेगी। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 883 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। PE अर्निंग रेशियो देखिए 27.8 का है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉय 12.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.9%, ठीक है। फेस वैल्यू देखिए, सभी चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली, ठीक है। DMA टेस्टिंग करते हैं, DMA टेस्टिंग पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, येलो रो आपको दिख रही होगी 50 DMA की है, 200 DMA की ब्लैक रो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी जब गिरावट आई है स्टॉक में, ठीक है, जैसे मार्केट में गिरावट आई है उसके कारण 1200 के लेवल से, तो स्टॉक ने अभी अपना 50 DMA का लेवल टेस्ट किया है। एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों स्टॉक साइड हो सकता है कि 200 DMA का लेवल भी यहाँ पर टेस्टिंग कर ले, लेकिन दोस्तों रिकवरी इन दोनों लेवल के आसपास से आएगी, ठीक है। तो आपको और भी बड़ा मौका मिल सकता है बाय ऑन डिप का जो मार्केट का नियम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, लास्ट 10 साल का कंपनी का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो देखिए कितना शानदार देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी है। कंपनी एक रिस्पेक्टेड प्रॉफिट निकालती है लेकिन डिविडेंड का पे आउट नहीं देती है, ठीक है। कंपनी मतलब अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है लेकिन कंपनी वो प्रॉफिट है ना अपने शेयर होल्डर को नहीं बांट रही डिविडेंड के रूप में, वो क्या कर रही है अपना बिजनेस को ग्रो करने में लगा रही है, ठीक है। उसके साथ ही प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी लो देखने को मिलती है और लास्ट 3 साल में प्रमोटर्स ने होल्डिंग भी थोड़ी कम की है ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही हम देखते हैं कंपनी का क्वार्टरली अपडेट में देखें तो कंपनी ने जून 2019 में 48 करोड़ की सेल्स की थी, सितंबर 19 में 53 करोड़ की, दिसंबर में आप देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं मार्च 22 में 76 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 47 करोड़ का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 62% का था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट ने दोस्तों बहुत शानदार तरीके से जंप लिया है, 16 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। EPS देखेंगे 19.17 का बहुत अच्छा प्रॉफिट जंप हुआ है। सालाना तौर का परफॉर्मेंस देखिए, सालाना तौर की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्च 2012 में कंपनी ने पूरे साल भर में 16 करोड़ की मात्र सेल्स की थी, आज वही सेल्स दोस्तों 234 करोड़ पे आ चुकी है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 10 करोड़ का था, वो 135 करोड़ पे आ गया है, ठीक है। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 48 करोड़ पे हमें देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है 32 करोड़ का, ठीक है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही परसेंटेज वाइज भी कुछ चीज़ हम कंपेयर करते हैं तो देखिए, सेल्स ग्रोथ 10 साल पहले 31% थी, 5 साल पहले 34%, लेकिन अभी करंट में 22% दिख रही है, ठीक है। उसके साथ कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 199% की तेजी से बढ़ रहा है। स्टॉक का जो रिटर्न है वो 1 साल में 67% का देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों हर चीज़ हमें यहाँ पर कंफर्टेबल जोन में दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर फोकस करते हैं, यहाँ पर और कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। प्रमोटर्स का स्टेक कम है,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफआईआई को आप देखिए कंटिन्यूसली स्टेक को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डीआईआई का यहाँ तक दोस्तों पूरा परफॉर्मेंस खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ से फिर चालू हो गया है, ठीक है, और पब्लिक के पास भी एक अच्छा खासा हमें स्टॉक देखने को मिलता है इस कंपनी का, ठीक है। तो हमें ज़रूर दोस्तों इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आगे भी ये हमें बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकती है। तो हम किस कंपनी की बात करें, हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है, कैटेगरी ए में आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसे हम नॉन एनबीएफसी बोलते हैं, ठीक है। कंपनी दोस्तों लगभग मार्केट में 4.25 लाख कस्टमर लेके बैठी हुई है, ठीक है, और करीबन दोस्तों 6 बड़े राज्यों में कंपनी काम करती है, 117 कंपनी की ब्रांचेस है, ठीक है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और अगर देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियल रिलेटेड पूरा काम करती है, ठीक है। और कंपनी दोस्तों अगर आप देखेंगे कंपनी के एमडी एंड सीईओ अगर आप बात करें तो हम यहाँ पर मिस्टर जयंत पटेल देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों तो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो मिस्टर अशोक पटेल जी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब दोस्तों ये कंपनी गुजरात से बिलोंग करती है, तो गुजरात का जो बिजनेस होता है वो तो हमें देखाइए कि किस प्रकार से मार्केट में रन करता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, एक अच्छी कंपनी बताई, लेकिन अच्छी कंपनी में रिसर्च करना आप लोगों का काम भी, मेरा काम था अपडेट करना कि एक अच्छी कंपनी आप लोगों के सामने रखूँ, और वही मैंने काम आप लोगों के सामने किया। लेकिन दोस्तों आप लोगों को भी देखना चाहिए कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं। मेरे को लगा, लेकिन 100% नहीं, मेरे को 90% लगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। तो मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपये, तो मैं 10,000 पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं यहां पर दोस्तों पहले क्या करूंगा, पहले यहां पर मैं मात्र 3 स्टॉक खरीदूंगा, ठीक है, 3 स्टॉक को होल्ड करूंगा, सिचुएशन समझूंगा कि 15 दिन बाद स्टॉक की क्या है, 1 महीने बाद क्या है, क्या 1 महीने बाद स्टॉक 1200 रुपये के ऊपर जा रहा है या 800 रुपये के नीचे आ रहा है, ठीक है। मेरे पास अभी बचे हैं कितने, 7,000 रुपये, ठीक है। अगर 800 रुपये के नीचे आता है तो 3 स्टॉक मैं फिर खरीदूंगा, 1200 रुपये के ऊपर जाता है तो 3 स्टॉक मैं फिर खरीदूंगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करूंगा, इंस्टॉलमेंट के रूप में इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिससे दोस्तों मेरे को लगेगा कि कंपनी का हर मोमेंट में कैप्चर कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर पूरा 10,000 डाल देता हूं, स्टॉक अगर नीचे आ जाता है, ठीक है, स्टॉक अगर नीचे आ गया गलती से, और मान लीजिए आप परेशान हो गए, पैनिक सिचुएशन अभी मार्केट में वैसे ही है, और बढ़ गया तो हम दोस्तों उसके कारण परेशान हो सकते हैं। तो जिसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से जरूर करिए, ठीक है। तो ये कंपनी के ऊपर जरूर आप फोकस करिए, ठीक है। आप लोगों को पूरा डिटेल मैंने बता दिया है, इस वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।